बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। मैं खैरियत से हूँ और आज जनाब मेरा पहला मीटअप है अपने व्यूअर्स के साथ। स्क्रीन पे आपको मैं नज़र आ रही हूँ। काफ़ी सारी जो स्टूडेंट्स हैं मेरी और मेरे व्यूअर्स ने कहा कि ख़ुद तो आती नहीं है, तो मैंने कहा चलें, हम रोज़ तो नहीं लेकिन कभी कभार जो है वो आपके साथ अपना मीटअप करूँगी। तो जनाब रावलपिंडी जा रही हूँ मैं अपने भाई के साथ और भाभी के साथ। हम लोग गए हैं, कल गए हैं, लेकिन कल चूँकि बहुत लेट नाइट वापसी हुई है तो फिर मैं आपसे जो है वो ये व्लॉग शेयर नहीं कर सकी। तो हम तलागंग से तकरीबन 2 बजे के लगभग निकले हैं और रावलपिंडी हम जा रहे थे अपनी छोटी बहन की तरफ, उसको ईद देने के लिए जा रहे थे क्योंकि आपको पता है कि कल से लॉकडाउन शुरू हो रहा है और फिर हो सकता है कि पर्सनल कार में भी ट्रैवलिंग के लिए कुछ SOPs जो है वो गवर्नमेंट बना दे, जैसे लास्ट टाइम बनाया था कि 3 से ज़्यादा लोग एक कार में सफ़र नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमने भी फिर ज़रा थोड़ा जल्दी कर लिया और ईदी जो है वो बरवक्त बहन को जो है वो देने चले गए। तो हम लोग जा रहे थे चकवाल मंदरा रोड के रास्ते से, अभी चकवाल से गुजर रही हूँ मैं। और चकवाल तलागंग चकवाल रोड इतना खूबसूरत है, लश ग्रीन माशाल्लाह। यहाँ पर जो महकमा ज़रात वालों ने शजरकारी की हुई है उसने इस रोड की ख़ूबसूरती को बहुत बढ़ा दिया है। और मेरे मानूस से रस्ते हैं, बहुत साल इन पर सफ़र किया तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है मुझे हमेशा इस रोड पे ट्रैवल करना। दोस्तों के साथ ट्रैवल किया, अपने कॉलेज में जाते हुए बहुत बहुत ट्रैवल किया और अब जो है वो बहन के लिए जाना होता है तो इसी रास्ते से गुज़र के जाती हूँ। तो हम अभी चकवाल सिटी से गुज़र रहे थे और मुझे उम्मीद है आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे, अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। चकवाल सिटी में जनाब मैं रुकी हूँ थोड़ी देर के लिए एक क्रॉकरी शॉप में। यहाँ से मैंने कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदा है क्योंकि मुझे पता था कि वापसी तक शॉप्स बंद हो चुकी होंगी। 6 बजे पाकिस्तान में शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाती थी और अब कल से तो मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तो चकवाल का बड़ा मशहूर 15 चौक है, यहाँ से हम लोगों ने फ्रूट्स पैक कराए हैं। फ्रूट्स का टोकरा बहन के लिए पैक कराया है, सारे जितने सीजनल फ्रूट्स थे वो पैक करवाए। और ईदी हमारे यहाँ तो बड़ी सिंपल सी दी जाती है बेटियों को। हमारे गांव के अंदर रवाज है कि दोधी वाला हलवा और उसके साथ कुछ कैश रकम जो है वो बेटियों को ईदी में दी जाती है, लेकिन चूँकि रमज़ान था तो हम लोग फिर धोती वाला हलवा तो है नहीं लेके गए क्योंकि रमज़ान में आपको पता है हलवा जात नहीं खाए जाते। तो ये पैकिंग है जनाब फ्रूट्स की, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कतन भी पसंद नहीं आई। तो यहाँ से 15 चौक से हम निकल रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत हो गया ये भी। यहाँ पर APS पेशावर के बच्चों की एक यादगार बन गई है और कुछ और भी इसको ब्यूटीफाई कर दिया है सिटी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने। उसके बाद जनाब ये चकवाल मंदरा रोड है, मेरे साथ रहिए, सफ़र को एंजॉय कीजिए। पिंडी में अगर GT रोड के रास्ते से एंटर हो ना तो खूबसूरत तरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। सतह मुर्तफ़ा पोठोहार का जो एक ख़ास पहचान है, ऊंची नीची ना हमवार सी ज़मीन और कहीं पे टीले हैं, कहीं पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं।
तो उन्हीं के ऊपर जो शहर आबाद है वो मनाजिर बहुत भले लगते हैं। मोटरवे इस्लामाबाद की तरफ से जाएं तो उस ऐसा नहीं देखने को मिलता पिशावर रोड पे, तो मुझे यहाँ से इस तरफ से बहुत अच्छा लगता है शहर। हम अपनी मतलूबा मंजिल पे पहुँच चुके थे और रोज़ा खुलने में कुछ 15-20 मिनट ही रह गए थे। हम गए हैं, बहन को और उनके ससुराल वालों को मिले हैं, कुछ देर ही बैठे हैं तो अफ्तारी का जो है वो वक्त हो गया, तो सबके साथ अफ्तार किया। बहुत बहुत एग्जॉस्ट हुए हुए थे, ख़ास तौर पे मुझे तो बहुत शदीद वाली प्यास लग रही थी और उसी चक्कर में मैंने बहुत सारा पानी भी पी लिया, तो कुछ एग्जॉशन भी हो रही थी क्योंकि मैं सहरी के बाद से बिल्कुल नहीं सोई थी। तो इफ्तारी सब ने मिल के की, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ कुछ ऐसा है कि मैं जब भी पिंडी आती हूँ तो बस भागम भाग आती हूँ और भागम भाग ही वापस चली जाती हूँ, कभी रुक नहीं पाई, इस शहर को एक्सप्लोर नहीं कर पाई। नमाज के बाद डिनर कर रहे थे हम लोग और डिनर में बीफ पुलाव बना हुआ था, बहुत बहुत मज़े का। ये मेरी प्लेट नज़र आ रही है आपको, मैंने सारे आइटम्स थोड़े थोड़े लिए हैं, बस इतना ही जो है वो मुश्किल मैंने ख़त्म किया है। इफ्तारी के बाद वैसे भी नहीं खाया जाता कुछ भी, पानी पी पी के पेट ही फुल हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपनी बहन को ईदी दे रहे थे, मेरी भाभी ईदी दे रही थी जो लेके आई हुई थी कपड़े दोनों के, मेरे भाई बहन के और बहनोई के, और साथ में फ्रूट्स और साथ में मिठाई। और मिठाई में आपको बताती हूँ, अभी दिखाती हूँ, ये ईमान ढाका स्वीट्स है कोई, और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ से ख़रीदी। हमें नहीं पता था कि इस रोड पे आगे तहजीब बेकर्स भी है। हम लोगों ने ये बेकरी जो नज़र आई इससे हमने मिठाई ख़रीद ली। और इसकी मिठाई की स्पेशलिटी ये जनाब कि एक तो ये मज़े की बहुत थी और दूसरा इसके रसगुल्लों और ये जो गुलाब जामुन थे इनके साइज़ बहुत बड़े थे, जंबो साइज़ थे। मैंने किसी भी बेकरी के मिठाई इतने बड़े साइज़ में नहीं देखी, बहुत टेस्टी थी, मेरे लिए मज़े की थी। तो उसके बाद हम लोग बहन के कमरे में बैठ के ये मेरे व्लॉग्स देख रहे थे, बड़ी स्क्रीन पे कैसे नज़र आते हैं, LCD पे कैसे नज़र आते हैं, बड़ा इन्जॉय कर रहे थे हम इसको। और फिर मेरे बहनों ही जो है वो हम सब के लिए तहजीब बेकरी से आइसक्रीम ले आए। मेरा जो अफसोस हो रहा था कि तहजीब से हम कुछ नहीं ले पाए वो ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने इसकी आइसक्रीम जो है वो चख ली। गला ख़राब था, मैंने ज़्यादा तो नहीं खाई, बस एक एक स्पून दोनों में से लिया। और साथ में ये फ्रूट चाट जो है वो हम लोग खा रहे थे और गपशप इंजॉय कर रहे थे, बहन के बेडरूम में बैठे हुए थे। और तकरीबन हम 10:30 बजे फिर जो है वो निकले हैं वहाँ से पिंडी से, और वापसी पे हम लोगों ने मोटरवे को चूज़ किया क्योंकि जो मंदरा चकवाल रोड है मुझे रात के टाइम पे वो ज़्यादा ही वीरान नज़र लगता है, उसकी नस्बत मोटरवे पे काफ़ी रश होता है। तो अभी हम शहर में से गुज़र रहे थे और लॉकडाउन की वजह से बहुत बहुत रश हो रहा था अड्डों पे, बहुत ज़्यादा लोग, ख़ास तौर पे लेबर जो है बहुत बहुत बड़ी तादाद में वापस अपने अपने घरों को जा रही थी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को खैरियत से उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और मुल्क में अमन और सुकून कायम रहे, और एक कोरोना नामी है जो वबा है इसको ख़त्म करे ताकि सब लोग जो हैं वो अपने रोज़गार और अपने कारोबार पे तवज्जो दे सकें। मज़दूरों के चेहरे जो है ना उनके ऊपर कोई खुशी नहीं नज़र आ रही थी घर जाने की, क्योंकि इतने दिन तक जो है वो रोज़गार नहीं होगा, ये सोच ही बहुत परेशान कर देती है। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग तकरीबन 1:30 बजे पहुँचे हैं घर, और ये मेरा आज तक का ब्लॉग था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।